Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence and CN Making. This is module number 190 and now our concern is resilience in the moment. Resilience is something which is required throughout your life because life is not going to treat you always in a very comfortable fashion. So rather than blaming and claiming the life ups and downs, resilience should create our own resilience. अब जब हम रेजिलियंस को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो रेजिलियस रिलेटेड आर 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 फ्यू थिंग्स दैट दैट गोइंग टू टू अस द रिक्वायरमेंट्स बिकम मोर फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम रेजिलियंस को डिस्कस करते हैं तो रिमेंबर दैट इज द एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम सेटबैक्स अब हर किसी की जिंदगी में अप्स एंड डाउन हैं हर किसी की जिंदगी में मुश्किलात और दुशवारियां हैं कंडीशन एंड कंस्ट्रेंट्स हैं और उन तमाम से रिकवर करने का नाम ही रिजिलियंस है और जब तक हम उस रिकवरी को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे उस रिकवरी को अपने साथ एसोसिएट नहीं करेंगे तब तक हम सिर्फ जिंदगी और हालात और वाकयात के रहमोक्रम पर वो रहेंगे सो रिमेंबर दैट रिजिलियंस इज द सेंस दैट सेल्फ इमेज इज बीइंग चैलेंज एंड ऑबियसली उससे हमारे इमोशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं इट क्रिएट्स इंटेंस इमोशंस अब उस सिचुएशन के अंदर जहां पर हमारा सेल्फ इमेज वो चैलेंज हो रहा हो वी हैव टू बी वी हैव टू कीप रेजिलियर सेल्फ परसिस्टेंट वी हैव टू हैव द द द करेज टू फेस ऑफ लाइफ एंड द चैलेंजेस जिनको हमने बड़े बहादुरी से मुकाबला करना है रेजिलियंस के केस में याद रखिएगा बी श्योर टू एड्रेस फीलिंग्स अबाउट सेल्फ इमेज आपका अपना डेमोन्स्ट्रेशन आपकी अपनी जात की जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो कैसे हो सक रही है

अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करें और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें और उन सिचुएशंस के अंदर आपको फंक्शनल परस्पेक्टिव कैसे क्रिएट करना है अगेन दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ बींग रिजिलियंट इट इज सेड के द लाइफ वुड नॉट बिकम ईजियर फॉर यू आपको खुद रिजिलियंट वो होना पड़ेगा और अगर आप अपने आप को रेजिलियंट नहीं बनाते हो तो ऑब्वियसली जिंदगी के चैलेंजेस वो आपके सर्वाइवल को भी एट क्वेश्चन वो लेकर आ सकते हैं स इज द आउटकम ऑफ हैविंग इमोशनल इंटेलिजेंस और उस इमोशनल इंटेलिजेंस से ऑब्वियसली हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के साथ हम अपने तालुक और मामला को कैसे बेहतर करें बिकॉज हम जिस नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं दैट इज द आउटकम एंड द आउटपुट रिक्वायर्ड बाई द ऑर्गेनाइजेशन अब चाहे वो इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी हो प्रोफिटेबिलिटी हो सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्टेक होल्डर्स हो डियर स्टूडेंट्स नो बडीज लाइफ इज ए बेड ऑफ रोजेस हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव है और हमें यह देखना है कि हम में से कौन उन चैलेंजेस को बेहतर डील कर सकता है और उन चैलेंजेस को बेहतर डील करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ साथ आपको अपनी तबीयत में अपनी जात में अपनी कैफियत में परसिस्टेंस लेकर आनी है पेशेंस लेकर आना है और ऑब्वियसली उस परसिस्टेंस एंड पेशेंस से आपकी जो रिजिलियंस है वो क्रिएट होगी थैंक यू